नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। खबर सिद्धार्थ नगर से आ रही है, जहां पर डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत आने वाले गालापुर मंदिर आस्था और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्वांचल के सबसे पुराने शक्तिपीठों में यह स्थान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित भी करता है। यहां लगभग 2000 साल पुराने ऐसे स्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जो भी मुरादें मांगो वो पूरी हो जाती हैं। मंदिर के व्यवस्थापक ठाकुर प्रसाद बताते हैं कि कलहंस वंश के राजा केसरी सिंह के माता को गोंडा के खोरहंस जंगल से उनके कुल पुरोहितों ने स्थापित भी किया था। गालापुर मंदिर की ऐतिहासिकता और क्या है पूरी बात? ये डुमैन तहसील क्षेत्र का ऐतिहासिक सिद्धपीठ है, जो 2000 वर्ष पुराना बटवृक्ष है, जहाँ लोग आते हैं और माँ का आराधना करते हैं। इस जो है बटवृक्ष को, जिसमें महाकाली जी विद्यमान हैं, कलहंस खानदान के राजा केसरी सिंह, जो उस समय यहाँ 2000 पूर्व यहाँ लटेरा में उनका शासन हुआ करता था, उन्होंने अपने पुरोहितों जो साकद्वीप वंश के थे उनसे गोंडा जनपद के खोरहंस जंगल से मंगवाए थे। मैं यहाँ लगभग बचपन से ही आ रहा हूँ, लगभग 20-25 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद जो भी मान्यता मानी जाती है वो माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं, और जो भी मन में इच्छा रखता है, जिस चीज़ की कामना करता है, उसकी भी सफलता, मतलब पूर्ण सफलता मिलती है उसमें। यहाँ माँ भगवती के दरबार में पूजन पाठ चलता है। यहाँ माता श्री स्थान पे सब लोग ब्राह्मण अपना पूजा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। महामृत्युंजय का जब भी होता है, यहाँ भगवती के स्थान पर 20,000 लोग यहाँ हवन पूजन करवा चुके हैं। अभी यहाँ भीड़ लगी हुई है, हमेशा नवमी नवरात्र में माता श्री स्थान पे भीड़ लगी रहती है। जो कोई अपना मन्नत मानता है वो माँ भगवती हमेशा पूर्ण करती है, और माता श्री कभी किसी को खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दिया है। देवरिया जिले के रुद्रपुर कस्बे का एक ऐसा पंडाल है जो हर वर्ष अपने अनोखे अंदाज के लिए जाना जाता है। यह पंडाल सामाजिक मुद्दों पर आधारित रहता है व साथ ही आम जनमानस को मूर्ति के माध्यम से जागरूक करने का काम भी करता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के पूर्व में इस पंडाल के माध्यम से ही कभी कारगिल युद्ध तो कभी अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले और साथ ही योगी आदित्यनाथ व ओवैसी जैसे तमाम तरह के प्रतीकात्मक मूर्तियों को दर्शाया जाता है। आपको बता दें कि इस पंडाल के व्यवस्थापक दीपक वर्मा, जो कि स्वयं मूर्तिकार भी हैं, समाज में उन्होंने जागरूकता लाने के लिए अचानक ही अद्भुत पंडाल के जागरूक माध्यम से जागरूक करने का काम किया था। आपको बता दें कि जिसके चलते यह पंडाल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर बिजनौर से आ रही है, जहां पर कार में सवार सभी युवक एक साथ बारात में गए थे कि वहीं लौटते समय नशे की हालत में होने की वजह से रास्ता भटक गए, जिसके कारण आपको बता दें कि कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और फिर यहां दुर्घटना में 4 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक बेहद ही हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को बिजनौर के एक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बताया यह भी जा रहा है कि कार में सवार कुछ युवक नशे की हालत में चला रहे थे, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक गए। मऊ जिले के घोसी विधायक विजय राजभर ने नगर पंचायत कोपागंज में बनाए गए सामुदायिक शौचालय को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 14 सीट का अनुमानित किया है, जिसमें 17,40,000 की लागत वाले शौचालय का फीता काटकर लोकार्पण किया गया है। विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की योजना पूर्ण होते हुए दिखाई दे रही है। आज पूरे देश में हर घर के लोगों को शौचालय योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह शौचालय निर्माण के तहत ही भारत को स्वच्छता के पायदान में देश नंबर 1 बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। हमारी जानकारी में है, नगर पंचायत की तरफ से लगभग 1500 आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ का बन गया है, कुछ का पहली किस्त जारी हो गई, कुछ की तीसरी किस्त जारी हो गई है। ऐसे ही शौचालय का भी है, प्रति घर जो लगभग 1500 के आसपास दे दिया है इन लोगों ने, और आगे भी। और इस विशेषता इसकी ये है, अभी हमारे अध्यक्ष जी नगर पंचायत बता रहे थे, विशेषता इसकी ये है कि किसी की उसमें जाति धर्म का वो भेदभाव नहीं रखा गया, सबको एक समान रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है माननीय मोदी जी का, मैं बधाई देना चाहता हूँ। सारी नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष
का कार्यक्रम है आपका? ये शौचालय आदर्श शौचालय बनाया गया है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, ये बहुत ज़रूरी था यहाँ पे। और इसके साथ साथ सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक हम सबके घोसी विधानसभा के विजय राजभर जी का मैं अपने नगर पंचायत कोपागंज की तरफ से, अपने सभासदगण की तरफ से, अपने रामलीला कमेटी की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी जानकारी में है नगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा देर शाम को जिला औरैया पहुंची। इस परिवर्तन रथ पर सवार आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदित्य प्रकाश यादव ने आगामी 2022 के चुनाव को अपनी पार्टी में जीत भी सुनिश्चित किया, और वहीं शिवपाल सिंह यादव 2022 में भाजपा को हराने के लिए हर बूथ के हर अधिक पदाधिकारियों की बैठक के साथ रणनीति बनाने की बात कर रहे थे। तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो भी दल भाजपा को हराएगा और साथ ही सत्ता में परिवर्तन चाहेगा, आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि वह सभी दल एक साथ मंच पर आएं और हमारी पार्टी के साथ खड़े हों। देखिए, हमारा जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा है ये मथुरा से होती हुई इटावा और आज औरैया आई, पहले चरण का आज आखिरी दिन, और जिस तरीके का हम लोग लेट हो गए, कार्यक्रम लेट हो गया है, उसके बावजूद जिस तरीके का जन समर्थन आप यहाँ देख सकते हैं, इससे ये चीज निश्चित है कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक मजबूत भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में आज है और आने वाले समय में सरकार में आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। तो वहीं दिल्ली रोड स्थित पार्टी कार्यालय के पदाधिकारियों से उन्होंने बैठक भी की, जिसके बाद मां शंभाकारी देवी के दर्शन भी किए हैं। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने आपको बता दें कि संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की थी, साथ ही सहारनपुर में किए गए कार्यों से जनता को अवगत भी कराया था। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने जनता से वोट मांगने का काम भी अभी से ही शुरू कर दिया है। क्या संगठन की बैठक थी, संगठन के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी मोर्चों के द्वारा गांव में चौपाल का कार्यक्रम है, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, सामाजिक सम्मेलन भी है, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जो रिपोर्ट कार्ड है, जो काम हम किए हैं उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगली खबर उद्योग नगरी कानपुर से है, जहां पर विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में ही कल के दिन विजयदशमी के पर्व के दिन रावण का प्रतीक माने जाने वाले रावण का पुतला दहन किया गया था, लेकिन कानपुर एक ऐसी जगह थी जहां पर दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पर लोग रावण के मंदिर भी यहां पर मौजूद हैं और इसकी पूजा करते हैं, जो केवल वर्ष के दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है। रावण के ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद है, जहां विजयदशमी के दिन पर इस मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया गया, रावण का दुग्ध स्नान कराया गया और साथ ही अभिषेक कर उनका श्रृंगार भी किया गया। पूजन के साथ रावण की स्तुति भी कर आरती की गई। क्या नाम पड़ी आपका? चंदन मौर्य। चंदन जी, जो ये रावण मंदिर है कितना पुराना है, कब बना जाता है, क्या मान्यता है? ये मंदिर 1868 में बनवाया है, और जो कि ब्रिटिश जमाने के रहने वाले जिला उन्नाव के गुरु प्रसाद शुक्ल जी महाराज थे, उन्होंने ये सारे मंदिर बनवाए हैं, और ये दशानंद महाराज शिव और शक्ति के बीच में विराजमान है। और भी कई तरीके का मंदिर है पूरे उत्तर भारत में, तो ये इकलौता मंदिर है, और भी मंदिर हैं श्रीलंका में है, और एक दो जगह और भी हैं पर उसका मुझे नहीं पता है। जहां एक और पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो वहीं रावण अहिरावण के पुतले का दहन भी इस दिन किया जाता था। तो वहीं तीन लोक से न्यारी कान्हा की नगरी मथुरा में ज्योतिष और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान लंका नरेश रावण के अनुयायी ने रावण की विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार करके पूजा की थी, और साथ ही रावण भक्तों ने कहा कि जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदमी की क्रियाकर्म एक बार होती है, तो वहीं पूरे देश में हर साल रावण को जला करके बुराई पर
अच्छाई की विजय बताई जाती है। यह बिल्कुल गलत है और हम रावण के अनुयायी इसकी घोर अपराध और साथ ही निंदा भी करते हैं और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि रावण का पुतला हर साल ना जलाया जाए और भगवान राम की लीला को हर साल कराई जाए, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को मर्यादा का भी ज्ञान होता रहे। रावण प्रकांड विद्वान थे, भगवान श्री राम ने उन्हें अपना आचार्य बनाया था। हम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं और जब भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो उनके द्वारा जब लंकेश को अपना आचार्य बना करके लंका पर विजयश्री का आशीर्वाद लिया था, ऐसे विद्वान पुरुष का प्रतिवर्ष पुतला दहन करना एक कुप्रथा है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। यह समाज विरोधी कृत्य है, इसे पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। बांग्लादेश में माता दुर्गा की मूर्ति तोड़े जाने और साथ ही भक्तों की हत्या से नाराज है, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शाहजहांपुर के खिरनी बाग चौराहे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पुतला दहन किया। साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि शिवसेना के जिला मंत्री राजेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि बांग्लादेश से मित्रता संबंधों को पूरी तरह से खत्म किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र को भी पत्र लिखा है। अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वह शाहजहांपुर से बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे और माँ दुर्गा के अपमान का बदला वो खुद लेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक खिंडीबाग चौराहे पर पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया। कल जैसा कि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि वहां पर हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में जघन्यतम अत्याचार किया गया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया और जो दुर्गा माता के पंडाल थे उनको उजाड़ा गया, उनमें पत्थर फेंके गए, उनको तोड़ मोड़ करके फेंका गया और वहां के हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनकी हत्या की गई, बहनों के साथ में बलात्कार और उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिससे विश्व हिंदू परिषद आक्रोशित है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता है कि प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है उनके साथ में बांग्लादेश के साथ में जो भी संबंध भारत के हैं तत्काल प्रभाव से उन्हें खत्म करके उन्हें इस तरीके से हमारा देश राष्ट्र हमारे जो मैत्री संबंध होते हैं उसे खत्म किया जाए। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।